हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत जिद किए हैं कि आज नाश्ता में पास्ता ही बनना चाहिए मम्मा, तो आज मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पास्ता को धो लेना है, मैं आपको धो के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से पास्ता को धो ली हूँ। अब मैं इसको रखूंगी कढ़ाई में उबलने के लिए। कढ़ाई में डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी। थोड़ा पास्ता के ऊपर से पानी डाल देना है, ज्यादा नहीं डालना है। इतने पानी में पास्ता अच्छे से उबल जाएगा। आप मेरे कुछ पुराने वीडियो को देख सकती हैं, जिसमें मैं बिना उबाले ही पास्ता बनाई हूँ, उसको भी आप देख सकती हैं। तो देखिए, मैं गैस पे रख दी उबलने के लिए, लेकिन एक चीज की कमी रह गई है, वो है रिफाइंड तेल। अगर एक चम्मच हम रिफाइंड इसमें तेल डाल देंगे, आपस में पास्ता चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो आपको भी उबालते समय एक दो चम्मच रिफाइंड तेल डाल देना है। अब मैं इसको ढक दूंगी, 5 मिनट में पास्ता अच्छे से उबल जाएगा। जब तक पास्ता उबल रहा है, तब तक मैं प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च को धो करके बारीकी से काट के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर मैं काट ली हूँ। धनिया पत्ता मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि टमाटर से ही ट्रे भर गया है। अब चलिए देख लेते हैं पास्ता उबल गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पास्ता अच्छे से उबल गया है। मैं आपको एक दबा के दिखाती हूँ पास्ता उबला कि नहीं। देखिए, बाप रे, गर्म है, छटक रहा है। अब मैं इसको गैस से नीचे उतारूंगी और दूसरा कढ़ाई रख दूंगी गर्म होने के लिए। पास्ता छानने से पहले मैं इसमें डालूंगी आधा लोटा ठंडा पानी और इसको अच्छे से इसमें पानी मिला देना है। पास्ता में ठंडा पानी डालने से ये होता है कि पास्ता आपस में चिपकता नहीं है। अब मैं इसको पौनी से छान लूंगी थाली में, देखिए इस तरीके से। देखिए, रिफाइंड तेल डालने के बाद और ठंडा पानी डालने के बाद पास्ता कैसे एक एक गिर रहा है। तो देखिए, मैं पानी से पास्ता निकाल दी हूँ थाली में। और यहाँ पे देखिए, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च, अब इसके बाद डालूंगी ढेर सारा बारीक कटा हुआ टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक 1 चम्मच और ये हो गया 2 चम्मच। अब मैं इसको ढक के टमाटर को गलने दूंगी। चलिए देखते हैं, टमाटर गला ही नहीं। यहाँ पे देखिए, टमाटर गल चुका है। अभी मतलब पूरी तरह से नहीं गला है, लेकिन आधा तो गल ही चुका है। अब मुझे इसमें डाल देना है 2 पास्ता मसाला। ये हो गया दूसरा पास्ता मसाला। पास्ता मसाला डाल के अच्छे से मिला देना है। अभी थोड़ा टमाटर खड़ा खड़ा दिख रहा है, ये अच्छे से जब गल जाएगा तब मैं इसमें पास्ता मिलाऊंगी। तो देखिए, टमाटर अच्छा से गल गया है, एकदम चाट जैसा लग रहा है, टमाटर का चाट बन रहा है। अब मुझे इसमें मिला देना है पास्ता। पास्ता डाल के अच्छे से मिला देना है। तो देखिए, मैं पास्ता को अच्छे से मसाला में मिलाती हूँ। मैं इसको 1 मिनट तक ऐसे गैस पे पकने दूंगी। जब तक ये पक रहा है, तब तक मैं धनिया पत्ता काट के तैयार कर लेती हूँ। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। अब मैं इसमें मिलाऊंगी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो देखिए, मैं धनिया पत्ता मिलाती हूँ। आप भी अपने किचन में नाश्ता में ऐसे ही झटपट बनाएं पास्ता।
मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे पास्ता नाश्ता में खा करके, क्योंकि वो लोग को बहुत पसंद है मैगी पास्ता चाउमीन वगैरह वगैरह बहुत पसंद है उन लोग को। तो पास्ता का वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।